शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, अब कसर कसर मत करो। जिसको बतियाते देखेंगे उसका सीट सीधे पीछे से आगे, आगे से पीछे कर देंगे, सारा पंखा के हवा खाए निकाल देंगे। भैया बात करते नहीं देखना है। बड़ी खुशी मिला नहीं कि वाह इंडिया होने वाला है। अब कृष्णा जी सोच रहे कि हम लोग तो पढ़े हैं थोड़ा, क्या करेंगे, आज सो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जानते कि इंडिया होने वाला है तो रिवीजन करिए। दोबारा टॉपिक पढ़ने से क्या होता है कि तुम पूरा क्रिस्टल हो जाता है। हाई कोई टॉपिक दोबारा पढ़ने से वो आपको याद हो जाता है। आप कॉपी बंद करके देखते रहिए। स्पेशल ध्यान हमारा कृष्ण जी पे जाता है, तो कृष्णा जी जब क्लास में रहते हैं तो इनका चिंता इतना बड़ा है ना, इनका चिंता का जो दायरा है बहुत बड़ा है, अब खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे हमारे संपर्क में आके बाबा बागेश्वर धाम के संपर्क में आके धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि पढ़ाने के बाद जो अगला मेरा करियर होगा वो इसी पे जाकर टिकेगा। हाँ बहुत है, इज्जत भी है, टेंट पंखा एसी देसी, देसी नहीं एसी, इधर आइए। हमको एक्सेट्रा की बात नहीं कर रहा हूं, इधर देखिए बात नहीं। भारत के भूगोल में एकदम सीरियस हो जाइए पढ़ते हैं तो, भारत का सामान्य परिचय पहले पढ़ेंगे। भारत का सामान्य परिचय, वही जो पूछा था इन्होंने सवाल, अंग्रेजी वो लिखेंगे, काहे टेंशन दे रहे हैं, एक बार मेके भाषण लिखेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, लो अंग्रेजी में भी लिख दिए। पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे और आपके सवाल का उत्तर इसी में मिलेगा, कौन किसको कहाँ काटता है, कहाँ छांटता है। दूसरा ये पढ़ेंगे, इसमें हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो लड़का पहले से पढ़ लिया है जिसको गर्व है अपने पढ़ाई पर, सब सवाल अब पूछेंगे उसी से और सीरियस पूछेंगे। और जैसे पाठक जी बोले कल पूछेंगे सवाल न तो पीटेंगे, वैसी डंटा ले आएंगे। हमको पता चला और बता दूं, ये सवेरे वाला बैच में ना बताए थे, जम के मारे सबको। एक लड़की जो है रोने लगी, बोले कि ये तरीका नहीं होता, किसी को पीट देंगे आप। आज वाला बैच कोई लड़का जाके बोला कि कल पूछिएगा ना, तब से पीटिएगा नहीं ना, तो अब समझ आ जाए पीटने वाले हैं कल भी लगता है, तो सबको लाइन से पीटेंगे। तो हम भी अब सोच रहे हैं कि थोड़ा छड़ी वाला काम हम भी शुरू कर देते हैं। अब सही में पाठक जी सबको मार के, तुम कई लोग रो रहे थे तड़ातड़ एकदम मारे घंटा से। अरे एक लड़की हमसे रो के लड़ रही थी, काहे मार दिए, हम पढ़े हम ना पढ़ेंगे तो उससे क्या मतलब है, कोई मारेगा हमको। तब से वो दोनों बहन नहीं आ रही है, वो दो बहन आती थी दोनों गायब है। उस दिन के बाद से दोनों से कोई नहीं आई है, क्योंकि हम भी बोल दिए गुरु जी के छड़ी में अमृत होता है, चुपचाप रहो ज्यादा बोलो मत। इसलिए भैया उस दिन से हमारे बैच में भी दोनों बहन गायब है। तो पिटाओगे यहाँ पर,
कल पिटाओगे हमको अच्छा लगेगा। और ना अंतिम में मैं पुआ ना पढ़ाने वाले उसके लिए लगा दिए। हाँ आइए आज अब थोड़ा मजा आएगा पढ़ के आपको। अपने देश में आ गए इसको हिंदी में बोलते बात मत कीजिए। तिवारी जी, शर्मा जी, पांडे जी, गुप्ता जी बात मत कीजिए, सबके नाम के अंतिम अक्षर बोल दिए। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, अरे फिजिकल मतलब फिजिक, फिजिक से बना है फिजिकल। ना बोलते हैं किसी को देखते हैं तो कि क्या गजब का फिजिक है, डोला सोला पूरा ट्रिपल कई बोलते ट्राइसेप बाइसेप गजब का बॉडी बनाया है। तो क्या देख के बोलते हैं बात, लीवर देख के बोलते हैं, किडनी देख के बोलते हैं, ऊपर की जो संरचना है उसको देखकर बोलते हैं। ऊपर की जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है तो भारत के धरती के ऊपर जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, मरुस्थल, झील, द्वीप, जो ऊपर में दिखाई दे रहा है उसके बारे में जहाँ पढ़ेंगे उसको फिजिकल बोलेंगे, फिजिक बोलेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, पर्वत यानी माउंटेन पढ़ेंगे। देखो हमारा मकसद है कि आप कुछ भी लिखें, हम कोई शब्द यहाँ मेंशन करें तो आपको ये समझ में आ जाए कि हम का लिखें। भावना नहीं समझना है, रियल में समझना है। भावना समझना मतलब तो अधूरा समझना होता है, समझ सकते हैं यहाँ पर। हमारी भावनाओं का है समझिएगा, आप की भावनाओं को समझिए। पर्वत, पठार, तत्काल तो पढ़ाई के भावना समझने की जरूरत है, अभी किसी के भावना समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस उम्र में, इस एनर्जी में, इस एनर्जी लेवल में आप अपनी भावना, किताब की भावना, सिलेबस की भावना छोड़कर आप किसी और की भावना का क्या करते हैं, मतलब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अगले 3-4 साल बेरोजगार रहने वाले हैं और आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर है। और 5 साल बाद जब नींद खुलेगा तब जब भावना समझने वाला आपकी भावना नहीं समझेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रियलिटी है, संसार का नियम है कि आप भावना समझते समझते पता चलेगा कि सामने वाला आपकी भावना को, हाँ बात वही है, क्योंकि आप सामने वाले की भावना समझिएगा तो उसको रोजगार में आ जाएगा वो, और रोजगार में आते ही उसकी दुनिया अलग हो जाएगी और आप बिल्कुल इस तरीके से इग्नोर किए जाएंगे कि या तो खुद चले जाइए या तो धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। इसलिए भाई प्लीज, इस उम्र में एनर्जी लेवल बहुत ऊपर रहता है, इसका इस्तेमाल, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की एक लाइन है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो आपके शक्ति है ना उसका इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल व्यस्त रखे हैं आप, अपनी भावना के साथ कई और भावनाओं से जुड़े हुए हैं आप, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, बिना उपाय के बिखरे हुए हैं, बिना मतलब के बिखरे हुए हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त, उनका समन्वय करिए, एक फोकस्ड पॉइंट पे लाइए, सिर्फ लक्ष्य पढ़ाई, समन्वय उनका करो समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजय मिलेगा। जब उसको कॉन्सेंट्रेट करिएगा ना, पावर को सेंट्रलाइज कीजिएगा ना, तो आपको विजय मिल जाएगा, और जहाँ वो बिखरे रहेंगे तो इसलिए आपके अभी इस उम्र में जो 20 से 30 के बीच का जो एज होता है ना उसमें आप 17 घंटा पढ़िएगा ना तो बॉडी को कोई असर नहीं होता, मतलब आप उसको आराम से झेल जाएंगे, मतलब जितनी कर सकते हैं इस उम्र में कर लीजिए। 30-32 के बाद समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर और खुद के बॉडी अलाउंस सब इतना टेंशन उनसे होने लगता है कि फिर सफलता
का जो इफिसी मतलब प्रोबेबिलिटी वो प्रतिशत कम नहीं लगता है, मैंने 30 के बाद जितना साल गुजरेगा उतना 10% कम हो जाएगा। मैंने 30 के बाद 31 में आ जाइएगा, पहले ही 80 पे आ गया था 70 पे, आ जाइएगा 60 पे, ऐसे करते करते 37 जाते 0 पे आ जाइएगा, फिर आपका सिलेक्शन का संभावना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज 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 कमरे में अपने आप को कैद कर लीजिए, मतलब उसी से रखिए जहाँ से फ़ायदा मिलता है। एक घंटा भी वक्त कहीं दीजिए तो उसका हिसाब करिए इसका मुझे क्या मिला। आज जो अपने मित्र को हम गांधी मैदान बोला कि चलो ना, तनि अकेले जा रहे हैं यार, मन न लगेगा तुम ही चलो ना, तो बिना मतलब के दोस्ती निभाने के लिए चल दिए, तो आगे पूछिए अपने आप से कि एक घंटा उसके साथ गए तो हमको क्या मिला। क्या ये दोस्त हमारा जिसके साथ गए थे कल को SDM बनेगा तो हमको पूरा पटना में रहने का खर्च भेजेगा। हमने कम से कम 100 सैकड़ों एग्जाम्पल जानते हैं, जो दोस्त बन गया, खूब रूम पार्टनर था, खूब वादा किया था कि हमारा नौकरी हो जाएगा तो सब खर्चा जब तक तुम नौकरी ना लेगा हम देंगे, एक आध दो महीना भेजा फिर बात खत्म। इसलिए भाई बी प्रोफेशनल, अपने ऊपर ध्यान देना है ना, और बाकी आप खुद समझदार हैं, सब अच्छे उम्र के विद्यार्थी हैं, अपने छोटे भाई बहनों को आप समझाते होंगे तो आपको क्या समझाना, आप तो समझदार खुद ही हैं। और मैं नहीं कहता कि लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए, आप डेली का टारगेट लीजिए, ख़त्म हो जाए टारगेट शाम को 3 बजे, मतलब जो आप दिन भर का टारगेट लिए थे और 3 बजे वो ख़त्म हो गया, याद हो गया, तो 3 बजे के बाद जो खाली समय है जाइए सिनेमा देख के आ जाइए, जो करना है फिर करिए, लेकिन टारगेट पूरा होने के बाद। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इस बैच का मैं आज भी तारीफ करता हूँ, इस बैच में ही ऐसा विद्यार्थी सब है कि सब मेहनती है और कंपटीशन करके नंबर लाता है, सब सब के अंदर एक भावना है कि हम टॉप करें हम टॉप करें, और ये चीज़ हम किसी और बैच में ना देखें। दूसरा बैच में सब क्या बोलता है, कर गया टॉप तो उसे हमको क्या मतलब है, करने दीजिए जिसको टॉप कर रहा है, हमको जितना आ रहा है हमारा औकात हम इतना लाते हैं, हमको टॉप ना करना चाहिए, अब उसमें क्या बोलिएगा। तो अच्छा बैच है, आप लोग हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, आपके बैच से कोई शिकायत नहीं है, ये झूठों मूठों कितना लेक्चर दे दिए। तीसरा है मैदान प्लेन, बोले कुछ लोग सोच रहे लेक्चर नहीं दिए आप, कुछ ऐसे दिए जो हमारे माफी का नहीं है। आगे आइए, प्लेन के बाद हम पढ़ेंगे तटरेखा, तटरेखा कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन, उसके बाद पढ़ेंगे द्वीप समूह, द्वीप समूह, उसके बाद पढ़ेंगे आइलैंड, आइलैंड ग्रुप, उसके बाद पढ़ेंगे नदियाँ, रिवर, ये सब फिजिकल डिवीजन में ही पढ़ेंगे, तार लीजिए। अच्छा लिख देते हैं भाई, रेगिस्तान भाई का कहा हुआ है, रेगिस्तान भी पढ़ा देंगे, चलो चलो हो गया। झील भी पढ़ लीजिएगा, ओके। आओ कुछ फिजिकल डिवीजन में बनाएगा आपका, फिजिक में आपका बालू आएगा क्या, वन विभाग अलग है। चलिए, लेकिन आप लोग अच्छे विद्यार्थी, इसमें कि हर बात को एंजॉय के लेवल पे ले जाते हैं, मिटा रहे नहीं है, मिटार दिए सर, मिटका दिए, ये सब पर्यायवाची है। हाँ बड़ी सीरियस बतिया रहे हैं, जब पहाड़ लिखवा दिए तो क्या बिना दर्रा के पढ़ाएंगे। रजनीश जी हम अब जोड़ी तोड़ेंगे, जहां से रहेगा जिस ग्रुप में बात हो रहा है उसमें जोड़ी तोड़ के इधर से उधर करेंगे, हो गया। सुनिए, पर्वत में हम लोग पढ़ेंगे, सुन लीजिए, लिखना नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो लिखवाएंगे, अभी सुन लीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल, पूर्वांचल रेंज, अरावली, विंध्यन,
सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल, नीलगिरी हिल। 5 से 6 दिन लगेगा खाली पहाड़ पढ़ाने में, ठीक है। दूसरा है पठार। पहाड़ किसको बोलते हैं? जो देखने में कोनिकल लगे, कोन जैसा लगे, शंकु जैसा लगे, जो देखने में शंकु जैसा लगे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो। सागर तल सी लेवल भारत में चेन्नई से लेते हैं, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो और जो देखने में शंकु जैसा लगे, उसे बोलते हैं पर्वत। याद हो गया? ऐसा नेचुरल लैंडस्केप जो किस शेप में हो, कोन के शेप में हो, कोन के शेप में हो, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो। सी लेवल से कम 1000 मीटर, जो देखने में कोन जैसा दिखे, शंकु। अरे क्षेत्रमिति बनाए थे ना बचपन में, मेंसुरेशन जिसमें पढ़ते थे, कोन का सरफेस एरिया, कोन का स्लांट हाइट निकालिए, तो ये सब था। तो कोन जैसा दिखे उसको पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और ऐसा नेचुरल लैंडस्केप जो टेबल जैसा दिखे, टेबुलिस यानी फ्लैट दिखे, जिसकी ऊंचाई सागर तल से कम 300 से 600 मीटर हो, उसे पठार कहते हैं। ऐसा नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल मतलब कि आप अपना घर बना लीजिएगा टेबल जैसा तो नहीं, मतलब टेबुलिस दिखे, ऐसा नेचुरल लैंडस्केप पानी थोड़ा मंगवा दीजिएगा, गर्म हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा नेचुरल लैंडस्केप, ऐसा बड़ा बढ़िया बढ़िया डायलॉग मार रहे हैं अमित कुमार दुबे, हमारे ही उपदेश पर उपदेश दे दिए। अगर आपने सही समय पर सही नहीं निर्णय लिया, देर समय मुश्किल मिलते हैं, वरना बनावटी रिश्ते कभी कोई काम के नहीं होते। लंबा सेंटेंस लिखे, आगे आइए, विद्यार्थी भी बहुत ज्ञानी होता है सब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि प्लेट्यू किसको बोलेंगे? ऐसा स्थान जो देखने में टेबल जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई सागर तल से 300 से 600 मीटर हो, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं, पठार कहते हैं। लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, वो प्राकृतिक भूदृश्य, नेचुरल लैंडस्केप, जो देखने में टेबुलिस दिखे, समझ में आ रहा है ना, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 300 से 600 मीटर हो, उसे बोलते हैं हम लोग पठार या प्लेट्यू। हम पठार को इंडिया में 8 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया। पहला डेक्कन लावा प्लेट्यू, पहला पढ़ेंगे डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन का मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, डेक्कन इसी को बोलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस पूरे इलाका को डेक्कन कहा जाता है। एक समय क्रिकेट का आईपीएल का टीम भी था, डेक्कन चार्जर, सुने होंगे आप। वहाँ पर एक अखबार भी निकलता है, डेक्कन हेराल्ड, सुना है आपने? डेक्कन हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर भी निकलता है वहाँ। डेक्कन मतलब क्या? एक इलाका, एक एरिया जिसमें कितने राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र क्या कहलाता है? डेक्कन कहलाता है। डेक्कन, दक्कन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दक्कन। और चूंकि वो पूरा प्लेट्यू डेक्कन रीजन में फैला है और चूंकि बना है लावा से, तो नाम पड़ गया डेक्कन लावा प्लेट्यू। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पठार डेक्कन लावा प्लेट्यू है, जिसका क्षेत्रफल 500,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 500,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह पठार कितने राज्यों में है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 5 राज्यों में फैला यह पठार लावा से बना है, जिसका क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है। डेक्कन, आप जानते हैं डेक्कन में औरंगजेब गवर्नर रहा था अपने बाप के समय। उसका बाप शाहजहां था। जब शाहजहां भारत का राजा था तो बहुत समय उसने डेक्कन में सूबेदार यानी गवर्नर के रूप में बिताया। यानी राजा बनने से पहले डेक्कन का जितना अनुभव औरंगजेब के पास था, किसी मुगल बादशाह के पास राजा बनने से पहले उतना अनुभव नहीं था। समझना बात। इसीलिए बीजापुर, गोलकुंडा दो ऐसे राज्य थे जो किसी भी मुगल बादशाह के कब्जे में नहीं आया था। किसी भी मुगल बादशाह ने उसको कब्जे में नहीं लिया। अकबर जैसा महान भी लड़ता रहा, शाहजहां तो खूब लड़ा, पर बीजापुर गोलकुंडा कब्जे में नहीं आया। औरंगजेब पहला राजा था जिसने बीजापुर गोलकुंडा को भी अपने कब्जे में लिया, क्योंकि डेक्कन का उसके पास एक अनुभव था, कैसे लड़ना है, कहाँ डिफीट होगा ये लोग जानता था। हालांकि औरंगजेब पूरे मुगल में सबसे बिगड़ा हुआ आदमी था, सबसे बिगड़ेल आदमी है ना। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली दादी की थी, नूरजहां। और दादी नानी के पास जो बच्चा पलता है, बढ़ता है, वो बिगड़ जाता ही है। इसीलिए गर्मी के छुट्टी में
बस एक आध महीना लो नानी दादी के पास बच्चा जाता है और तुरंत उसको पिताजी बुला लेते हैं ना? बिल्कुल नहीं, माथा फोड़ के आ गया, दादी सामने खड़ी होगी, कहा गया माथे ना फोड़ा है, हैं कोई किसी का हीरा लूट लिया क्या हमारा बच्चा? अब बच्चा तो ऐसे बिगड़ता चला जा रहा है। तो औरंगजेब इतना बिगड़ गया था, सौतेली दादी थी नूरजहाँ, इतना बिगड़ गया था कि अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और अपने पढ़ा लिखा विद्वान भाई, पढ़ा लिखा विद्वान भाई दारा सिकोह को मरियल घोड़ा पर बिठाकर, फटा हुआ कुर्ता पहनाकर पूरा चांदनी चौक घुमाया और जाके लाल किले में मौत के घाट उतार दिया और कहा कि इसने अल्लाह की निंदा की थी, इसीलिए इस निंदा कानून के तहत इसको मार रहे हैं हम। ये औरंगजेब ने अपने भाई को मार दिया, लेकिन बहनों को एक चीज़ उसके अंदर था, सिस्टर के साथ कभी बदतमीजी नहीं किया उसने। सिस्टर में उसकी जो जहार बहन थी ना, वो कभी भी इसके फेवर में नहीं रहती थी, वो दारा के फेवर में रहती थी, फिर भी दारा के फेवर में रहती थी, फिर भी औरंगजेब ने उसको कभी, मतलब नहीं होगी तुम काहे उसके फेवर में थी, बहनों के साथ कभी बदतमीजी नहीं किया, उल्टा उसने अपनी बहन को साहिबात उद जमानी को उपाधि भी दिया था, साहिबात उद जमानी इस उपाधि दिया था भाई। तो एक चीज तमीज था उसका, हालांकि जानते हैं आप, और अकबर के बाद मुगल काल में लड़कियों का विवाह बंद हो गया था, अकबर ने कह दिया था कि अब हमारे यहाँ बेटी का विवाह नहीं होगा, क्योंकि भाई लड़ रहे हैं आपस में, अगर बेटी का विवाह कर दिए तो दामाद भी इस लड़ाई में, सत्ता की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, तो बेटी का शादी नहीं करते हैं, तो उसमें भाइयों के बीच लड़ाई रह जाएगा। तो मैं बैन हो गया था मुगल काल में अपने राज्य में, मैंने शाही परिवार में बेटी का विवाह नहीं होगा। तो उसके बाद जहाँ रहा भी कुंवारी थी, सब कुंवारी थे, सही बात बता रहे हैं, ये लोग यही करते थे, इनका काम कोई शादी हुआ तो काम क्या बचा है, भाइयों को बांट लेते थे, एक बहन एक भाई की तरफ, एक बहन एक भाई की तरफ, इधर के बात उधर, उधर के बात इधर, यही करना इन लोगों का काम रहता था। सही बात है, इसलिए लड़कियों का विवाह ना होना तो समझिए कि कई घरों में तोड़ने का काम हो जाएगा वो। हालांकि कभी कभी इनके अफेयर के भी शादी ना करेगा तो अफेयर खबर तो आएगा ही, तो जिससे अफेयर की खबर आता था उसको लोग हाथी से कुचलवा देते थे, जिस व्यक्ति से जहारा का भी जो मतलब जिससे अफेयर की चर्चा आया था उसको लोग हाथी से कुचलवा दिए थे, इसीलिए उसका परिवार बददुआ दे दिया था जहारा को। तो जहारा एक बार जल गई थी अपने जन्मदिन के दिन, दिया पकड़ लिया था रेशमी साड़ी को, आग लग गया था, जल गई तो ठीक ही ना हो रहा था घाव, तो किसी ने कहा कि किसी ने बददुआ दिया इसलिए घाव नहीं ठीक हो रहा है, तो माफ़ीनामा पढ़वाई उसके परिवार से, तो उसके परिवार को कुछ पैसा दिया गया, माफ़ीनामा पढ़वाया गया, तब जहारा को जो घाव था जला हुआ ठीक हुआ। ये सब कहानी है। तो ये सब तो सुनिए, डेक्कन की बात कर रहा था, डेक्कन लावा प्लेट्यू भारत का सबसे बड़ा पठार है, इसी बारे में थोड़ा इतिहास भी जान गया। अब सुनिए आगे आते हैं भाई, दूसरा पठार है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश में मेनली मालवा का पठार है, मालवा रीजन एक्चुअली में मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी है, इसका विस्तार पूर्वी गुजरात में भी है, लेकिन मालवा एक्चुअल में मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों को बोलते हैं। और जब भी मालवा के बारे में मध्य प्रदेश में कोई लड़ाई, प्राचीन काल में ऐतिहासिक लड़ाई आप जितना भी देखते हैं, वो सब लड़ाई मालवा को लेकर लड़ा गया है, एमपी में और किसी हिस्सा के लिए कोई लड़ाई नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई लड़ा गया जिस इलाके पर कब्जा के लिए, वो इलाका था मालवा। मालवा पूरे मध्य प्रदेश का सबसे फर्टाइल इलाका है, सबसे फर्टाइल सबसे उपजाऊ इलाका मालवा है, मालवा पे ही फेमस सिटी है, मालवा पे ही फेमस सिटी है उज्जैन, भोपाल, इंदौर, मांडू, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और मांडू। उज्जैन तो आप जानते हैं महाकाल मंदिर है, कुंभ का मेला लगता है, छिपरा नदी किनारे है, महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ। इसके अलावा इंदौर के बारे में कौन नहीं जानता, भारत का छठी बार लगातार सबसे साफ सुथरा शहर, इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन वहीं हुआ, इंदौर में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट वहीं लग रहा है, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का म्यूजियम बन रहा है वहाँ, और इंदौर में होलकर का मुख्यालय था, होलकर, पेशवा, मराठा के कई भाग थे जिनमें पेशवा, गायकवाड़, पेशवा, गायकवाड़, होलकर, भोसले, सिंधिया, पांच पार्ट, पूरे मराठे के कितने भाग थे, पांच भाग थे, सब एक में थे, मराठा संघ उसको बोलते थे, मराठा संघ में होलकर का मुख्यालय इंदौर था, महाराष्ट्र संघ में होलकर का मुख्यालय इंदौर, सिंधिया का ग्वालियर, भोसले के नागपुर। सुनो मेरे भाई, इंदौर होलकर का वही की थी रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर, सुनिए आगे बात। अब सुनिए, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसे झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों का शहर उसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, और वहाँ मानव विकास संस्थान है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मानव विकास संस्थान कहाँ है, भोपाल में,
राष्ट्रीय मानव विकास संस्थान कहाँ है, भोपाल में, एक जगह बोले थे मांडू, ये भी मालवा के पठार पे है। इतिहास में जानते होंगे यहाँ जहाज महल, मांडू में फेमस क्या है, जहाज महल। क्वेश्चन आता है जहाज महल कहाँ है, कभी कभी मांडू ऑप्शन में गायब कर देता है और मालवा ऑप्शन में दे देता है, तो आंसर क्या होगा, मालवा। अब मांडू रहे तो मांडू होगा, मान लीजिए मिशन 50 कहाँ है, पटना में, पटना ऑप्शन में तो बिहार मार देंगे, उसी तरह से मालवा क्षेत्र में है। अब मालवा क्षेत्र में भारी मात्रा में सोयाबीन होता है, क्या कुछ दिक्कत है, ये सब लिखवाएंगे आराम से, तुम लोग लग रहा है भाग जाएंगे कैसे बोल के, ये सब लिखवाएंगे, सुनो। और यहाँ भारी मात्रा में सोयाबीन होता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्लेटू को सोयाबीन का पठार भी कहते हैं। आगे आते हैं, उसके बाद आता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, ये MP यूपी में है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, MP और यूपी में है, खासकर झांसी के आसपास, झांसी के आसपास, कैसे याद रहेगा, झांसी के आसपास बुंदेलखंड याद रहेगा रानी लक्ष्मीबाई से, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की, तभी ना सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है कविता झांसी की रानी, लिखा ऐसे बोला बुंदेलो, बुंदेलखंड की थी ना, तो बोला बुंदेलो हर बोलो की मुँह, बुंदेलो बुंदेलो हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो रानी थी। तो भैया झांसी के आसपास का इलाका बुंदेलखंड है, आज के बाद भूलिएगा नहीं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, पन्ना, बानपन्ना, सागर, दमोह, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इसे पूरा इलाका क्या आ जाता है, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में MP वाले बुंदेलखंड में खूब वर्षा होती है, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं पड़ता, जो यूपी वाला बुंदेलखंड है वहाँ वर्षा ही नहीं होती, क्लियर, इसलिए यूपी वाला बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है, MP के बुंदेलखंड में सूखा नहीं पड़ता। फिर आए बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के जस्ट पूरब में, ये भी यूपी और MP के बॉर्डर पे है, कौन, बघेलखंड, यहाँ बघेली भाषा बोली जाती है, ये पड़ता है इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, मुगलसराय, नीचे आइएगा तो रीवा, सतना, कटनी, मैहर, रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर तक चले जाइए, पूरा बघेलखंड है। उसके बाद है ये छत्तीसगढ़ का पठार, अच्छा बघेलखंड के पठार पर भारी मात्रा में सीमेंट का कारखाना है, बघेलखंड के पठार पर भारी मात्रा में मैहर सीमेंट, सुना होगा आपने मैहर सीमेंट, मैहर में देवी माता का मंदिर भी है, बघेलखंड पे दो दो देवी माता हैं, एक है विंध्याचल देवी, एक है मैहर देवी, मैहर देवी, विंध्याचल देवी, दो दो टूरिस्ट प्लेस किस पर है, बघेलखंड पे है। यहाँ भारी मात्रा में सीमेंट का कारखाना है, हालांकि भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट राजस्थान में बनता है, लाखेरी में, राजस्थान में जगह लाखेरी है, कई बार पूछा जाता है लाखेरी किस लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट कारखाना के लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए लाखेरी राजस्थान का फेमस है। ऐसे पूरा रीवा, सतना, कटनी, मैहर में खाली सीमेंटे का मिलवे करेगा कारखाना आपको। इसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सॉरी उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ के पठार में दो पठार और है, बस्तर का पठार और दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ के पठार पर दो और पठार है, दंडकारण्य वन, सुने होंगे दंडकारण्य का वन, जहाँ स्वा तपस्या करते थे ऋषि मुनि, तो दंडकारण्य का पठार और बस्तर का पठार भारी मात्रा में। छत्तीसगढ़ के पठार जिसके लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है किसके लिए, वो जाना जाता है टीन के लिए। भारत में टीन और कहीं मिलवे नहीं करता है, खाली छत्तीसगढ़ में मिलता है, 99.99% टीन के मामले में छत्तीसगढ़ का मोनोपोली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में टीन मिलता है, भी याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी मात्रा में टीन, भारी क्या, पूरा टीन वहीं मिलता है, और इंडिया में कहीं टीन मिलवे नहीं करता है। तबे ना सिंधु घाटी की जब सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो लोग ब्रॉन्ज बनाना जानते थे, चूंकि कॉपर बहुत मुलायम होता है, कोई काम करने में उससे बनेगा नहीं, जब कॉपर में टीन मिलाते हैं तो थोड़ा सा कॉपर कड़ा हो जाता है, उससे ब्रॉन्ज बन जाता है, कॉपर में टीन मिलाने से क्या बनता है, ब्रॉन्ज। अरे मिश्र धातु पढ़े ना एलोए, उसमें पढ़े होंगे कॉपर में टीन मिलने से ब्रॉन्ज, हम लोग रटते थे पिताजी काटा टी, पिताजी काटा टी, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, पिताजी, पीतल बनता है तांबा जिंक के मिलने से, पिताजी, पीतल बनता है ताजी तांबा जिंक के मिलने से, और काटा टी, कासा बनता है तांबा टीन के मिलने से, तांबा टीन जो मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज। इंडस वैली के लोग ब्रॉन्ज बनाना चाहते भी थे, बनाना जानते भी थे, लेकिन टोटल 95% चीज वहाँ कॉपर का मिला है, इस सिंधु घाटी खुदाई से 5% ही मिला है ब्रॉन्ज का बना हुआ चीज। लोग चाहते थे बनाना, जानते थे बनाना, फिर भी 95% लोग कॉपर का इस्तेमाल करते रह गए, फिर भी 95% कॉपर का इस्तेमाल है, फिर भी इसको कॉपर एज नहीं बोलते, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, 5% ही ब्रॉन्ज यूज किए इंडस वैली के लोग, फिर भी कॉपर एज नहीं बोलते इसको, ब्रॉन्ज एज बोलते, क्योंकि इनको ब्रॉन्ज बनाना आता था।
जानते भी थे, चाहते भी थे बनाना, लेकिन एक मजबूरी थी कि टीन नहीं मिलता था। कॉपर तो भारी मात्रा मिलता था मध्य प्रदेश के मलंजखंड में, बालाघाट में, और भारी मात्रा में खेतड़ी में क्या मिलता था, तांबा। लेकिन टीन छत्तीसगढ़, उसमें इंडस वैली के लोग मैक्सिमम आलमगीरपुर तक ही तो आए थे, मेरठ के आलम, अरे मेरठ जिला के आलमगीरपुरे तक ना पूरब में विस्तार था जी। अरे सिंधु घाटी के बाउंड्री ना पढ़े पचवा छठा क्लास में, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दामाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूरब में आलमगीरपुर ना पढ़े हैं। सुतकांगडोर है पश्चिम में, बलूचिस्तान के सुतकांगडोर पश्चिम में, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ, उत्तर में कश्मीर का मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र का दामाबाद है भगत राव, पढ़े ना जी। तो उत्तर प्रदेश पूरा जानकारी नहीं था, तो छत्तीसगढ़ कहाँ से हो जाएगा। तो लोगों को टीन के बारे में पता नहीं था, टीन मंगवाना पड़ता था ईरान से, अफगानिस्तान से, तो क्या करिएगा, बड़ी महंगा पड़ता था। तो मजबूरी में लोग कॉपरे का इस्तेमाल करते रह गए, इसीलिए इसको हम मजबूरी का फायदा ना उठाएंगे, हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसको बोलेंगे। समझ में आया काहे हुआ ऐसा। तो भैया अब आइए, छत्तीसगढ़ जाना जाता टीन के लिए। वैसे तो वहाँ पर बैला डीला में लोहा भी मिलता है, धली रझरा में लोही लोहा मिलता है, भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग है, कोरबा में एल्युमिनियम मिलता है, जानते ही होंगे, इसे पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे। इसके अलावा क्या, हाँ कोरबा में कोयला मिलता है, कोयला तो कहाँ ना मिलता है, इंडिया में खाली कोयले मिलवे करता है, नहीं नहीं बोलते एकदम कोयला है जी, नहीं या तो काला कर देगा या तो आग लगा देगा, एकदम कोयला है। लड़का देख क्या गए, हाँ एकदम कोयला देखे ना, वही लड़का है। लड़की देख लिए, नमत कीजिए महाराज, एकदम कोयला लड़की है। आगे आइए, अरे कुछ हो कोयला। अब सुनिए, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर महाराष्ट्र में, केवल नागपुर तो महाराष्ट्र, छोटा नागपुर तो झारखंड, बिहार के कुछ, बिहार में रोहतास से औरंगाबाद के बीच, और उधर जाइएगा तो बंगाल में आसनसोल, बंगाल में तो आसनसोल दुर्गापुर का इलाका, रानीगंज का इलाका, और उड़ीसा में मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज, मयूर उड़ीसा के मयूरभंज, पूरा झारखंड, बिहार के रोहतास से औरंगाबाद, झारखंड के और बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर और वर्णपुर, दुर्गापुर वर्णपुर कुल्टी आसनसोल और रानीगंज, दुर्गापुर वर्णपुर कुल्टी, उल्टी मत कर देना, कुल्टी कुल्टी आसनसोल दुर्गापुर कुल्टी वर्णपुर, वर्णपुर ये सब क्या है, बंगाल का इलाका है जो छोटा नागपुर में आता है, फिर उड़ीसा के मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज, इसके अलावा बिहार में रोहतास से लेकर औरंगाबाद पूरा, रोहतास गया नवादा सब आ जाता छोटा नागपुर प्लेट्यू में, पूरा देवघर है। अरे भाई पूरा झारखंड जब छोटा नागपुर में आता है देवघर उल्टे आता, अरे वो सब का हिस्सा टच नहीं करता, पठारी संरचना वहाँ नहीं है, टच करेगा मतलब सब जगह होगा थोड़े ना, पठार का विस्तार बिहार में यहीं तक है। अब आइए मेघालय, इसमें अच्छा छोटा नागपुर के पठार में भारत में सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है, मिनरल्स मिलता है, इसीलिए इसको खनिजों का भंडार गृह कहते हैं, इसे परिचय दे दिए खाली। उसके बाद आइए मेघालय का पठार, मेघालय के पठार डेक्कन लावा प्लेट्यू, या फिर कह सकते हैं कि आप छोटा नागपुर प्लेट्यू का भाग था, जो कि बाद में एक भ्रंश हुआ, जमीन धंस गया, जिससे मेघालय के पठार अलग हो गया। और मेघालय के पठार जो है उसका निर्माण लाइम स्टोन से हुआ, चूना पत्थर से हुआ है। इस पर गारो खासी जयंतियाँ हील भी है, गारो खासी जयंतियाँ हील, और गारो खासी जयंतियाँ ट्राइब भी यहाँ रहता है, जनजाति भी यहाँ रहता है, क्लियर है। मासिन राम चेरापूंजी, जहाँ दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है, इसी प्लेटू के ऊपर है। मेघालय में अगर फल की बात करें तो संतरा की बहुत खेती होती है। यहाँ एक जगह है तुर्रा, जहाँ कागज उद्योग है। इस पूरे पठार की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, एक नेशनल पार्क भी है नौकरेक नेशनल पार्क, और पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक। इसके बाद आता है लद्दाख का पठार सातवां, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जो लद्दाख वाले में है। तो ये पठार पढ़ाएंगे, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, उसके बाद प्लेन, तीसरा टॉपिक क्या आता है, प्लेन ऑफ इंडिया। प्लेन का मतलब जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 150 मीटर हो, और मुलायम चट्टानों से बना हो, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 150 मीटर हो और जो मुलायम चट्टानों से बना हो, उसे बोलते हैं मैदान, प्लेन बोलते हैं। प्लेन की परिभाषा कहीं लिखवाया नहीं जाएगा, पर मेंस में अब तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो भारत के भूगोल मेंस में पढ़ना ही है। प्लेटू का डेफिनेशन, प्लेन का डेफिनेशन क्या है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 150 मीटर हो, जिसको जो देखने में फ्लैट टेबल्स दिखे, और जो जो मुलायम चट्टानों से बना हो, उसे मैदान कहते हैं। मैदान को हम दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे, पहला तरीका उसके विस्तार के आधार पर, दूसरा तरीका उसके बनावट के आधार पर।
बनावट मैंने किससे बना, जिससे दीवार किससे बना है, तो सीमेंट से, बालू से, ईंटा से, क्या हो गया इसका बनावट, तो किससे बना है मैदान, उसके आधार पर मैदान को बांटते हैं चार भागों में, भाबर, तराई, बांगर, खादर। मैदान को बांटते हैं कितने भागों में, चार भागों में, भाबर, तराई, बांगर, खादर। एक्चुअल में जब नदियां पहाड़ों में होती हैं, जब नदियां पहाड़ों में होती हैं तो स्टीप स्लोप यानी खड़े ढाल के कारण उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, खड़े ढाल के कारण उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और नदियों में एक नेचर है कि जब उनका स्पीड तेज होता है तो अपने किनारों को नहीं काटती बल्कि तली को काटती है। नदी का नेचर होता है स्पीड कम होगा तो किनारों को काटेगी, तली को फिर नहीं काटेगी। आदमी का जब डेवलपमेंट का स्पीड धीमे होता है ना, विकास कम करता है, तो अगल बगल अपने दोस्त महीम सबको लेके चलता है, ठीक है। लेकिन जब इंसान डेवलपमेंट तेजी से होता है सबको छोड़ के सामने निकलता है, वैसे नदी भी है आदमी के नेचर का, जब तेज चलती है तो सामने देखती, अगल बगल को नहीं देखती, किनारों को नहीं काटती, नीचे काटती है। और जब नदी धीरे बहती है तो नीचे नहीं काटती, किनारों को काटती है। इसलिए पर्वतों में नदियाँ तेज बहती है स्लोप के कारण, इससे इसलिए वो किनारों को नहीं काटती, नीचे को काटती है। इसलिए पर्वतों में नदियाँ गहरी होती है पर चौड़ी नहीं होती। पर्वतों में नदियाँ देखिएगा, गंगोत्री के पास तो दो कदम में पार हो जाएगी गंगा, आप बस ऐसे और ऐसे गंगा पार। एक्चुअली वहाँ पर आप पैर रख ही नहीं सकते, पैर के हाथ गंगोत्री में तो लोटा में पानी डुबा के ले रहे हैं, गलती से हाथ में पानी टच हुआ तो लोटा छूट जाएगा आपका, ऐसी स्थिति है। सच्चाई बता रहे हैं आपको, इतना ठंडा पानी होता है। ऋषिकेश में आप 5 मिनट नहीं खड़ा हो सकते जून महीना में, जून महीना में जी, मई जून के महीना में ऋषिकेश जो कि बहुत आगे आ गए, हरिद्वार ऋषिकेश, 10 मिनट तक वहाँ पानी के अंदर नहीं रह सकते आप, इतना ठंडा पानी है जून में, समझा रहे हो बात, एकदम फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा। तो भैया और गंगोत्री की बातें छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर पैर एक बार रखने का मतलब है कि फिर आप पैर रहेगा ही नहीं, तो फिर आप भी वहाँ जाइएगा निकल के धारा में कि फिर बचना मुश्किल है। तो भैया जब पर्वतों में नदियाँ होती है तो तेज चलती है तो तली को काटती है, इसीलिए नदियाँ गहरी होती है लेकिन चौड़ी नहीं होती। लेकिन मैदानी क्षेत्र में जब नदी का स्पीड कम हो जाता है, प्लेन एरिया में, पटना में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, जब नदी का स्पीड कम होता है तो किनारों को काटती है, तली को नहीं काटती। इसलिए मैदानी क्षेत्र में जितनी नदियाँ चौड़ी होती उतनी गहरी, पटना में गंगा जी जितनी चौड़ी हैं उतनी गहरी नहीं है, लेकिन ऋषिकेश में जितनी गहरी उतनी चौड़ी नहीं है। क्लियर है भाई? तो ये गंगा जी का एग्जाम्पल देकर मैंने बताया। तो नदियाँ जब पहाड़ों में होती है, इस बात समझ गए कि नदियाँ जब तेज चलती है तो तली को काटती है, नदियाँ धीरे चलती है तो किनारों को काटती है, समझ में आ गया? अब सुनिए, जब नदियाँ पर्वतों में होती तली को काटती है तो क्या पर्वत में तली में मिट्टी होता है? पहाड़ चट्टान होगा, पत्थर होगा, कंकड़ होगा, तो बड़े बड़े चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टानों को नदियाँ उखाड़ लेती है। और उखाड़ के एक बार चट्टान उखड़ा तो स्लोप भी है तो अपने आप भी लुढ़केगा, और नदी का धारा भी धक्का दे रहा है, आराम से वो पत्थर नदी के साथ लुढ़कते पुढ़कते पर्वत के बाहर आते हैं। जैसी नदी पर्वत के बाहर आती है, नदी में अब उतना ताकत नहीं रह जाता है, क्योंकि पर्वत के बाहर आने पर न तो स्लोप रहा, न स्पीड उतना रहा, नदी के औकात खत्म कि उतने बड़े चट्टानों को ढो पाए। तो बड़े बड़े चट्टानों को नदियाँ जहाँ जमा कर देती है पर्वत के बाहर, उन बड़े चट्टानों के इलाका को ही बोलते हैं भाबर। अब ऋषिकेश हरिद्वार में आइए तो नदी में चारों तरफ चट्टान बिखरा हुआ मिलता है, बड़ा बड़ा पत्थर, उसके बीच से किनारे से नदी उछलती हुई चलती है। दूर से तो ऐसा लगता है सीन कि एक सेल्फी वहाँ जाके तुरंत ले ही ले, इतना खूबसूरत दृश्य है वहाँ पत्थरों के बीच गंगा। तो भैया गंगा के हर नदी का ही नेचर है, लेकिन नदी इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई छोटे छोटे पत्थरों को न ढो पाए। नदियाँ छोटे छोटे पत्थरों को जस्ट क्या करती है, उस बड़े बड़े चट्टानों को आगे जमा कर देती है। तो बड़े चट्टानों के क्षेत्र को बोलते हैं भाबर, और जो छोटे चट्टानों का इलाका उसको तराई कहते हैं, उसे तराई कहते हैं। छोटे चट्टानों को क्या बोलते हैं, समझना है केवल, लिखाएंगे बाद में। अब भैया लेकिन बाढ़ जब, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पहले बाढ़ आता था पर अब बाढ़ नहीं आता, तो मिट्टी के, सुनो सो रहे हैं क्या भाई, बीच में सो रहे हैं आप, मिट्टी का जो इतना भी बोरिंग क्लास नहीं हो रहा है, नदी में आप गंगा जी के बात हो नींद आ जाए आपको, सुनिए मेरे भाई सुन लो बात, कह रहे हैं कि नदी इतनी भी कमज़ोर ना हुई कि मिट्टी को और बालू को बहा के न ले जाए, उसको तो बंगाल की खाड़ी तक ले जाएगी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बाढ़ पहले आता था पर अब नहीं आता, और आप जानते हैं कि बाढ़ जब आता है तो बाढ़ का पानी जहाँ तक जाती है वहाँ तक मिट्टी को, काटा हुआ मिट्टी को ले जाती है, लेकिन ले तो जाती है पर पानी जब लौटने लगती है तो मिट्टी को ही छोड़ देती है। तो जो क्षेत्र पहले से ऊँचा था वहाँ बाढ़ आता गया, मिट्टी का जमाव होता गया और ऊँचा हो गया, जिससे अब वहाँ बाढ़ नहीं आता, जिससे मिट्टी धीरे धीरे वहाँ की पुरानी हो जाएगी। तो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉयल, तो वहाँ की एलुवियल सॉयल जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगी, पुरानी। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ बाढ़ नहीं आता,
जहां बड़ नहीं आता वहां पर मिट्टी पुरानी हो जाएगी, उसको बांगर कहते हैं, बांगर बांगर। लेकिन जहां आज भी बाढ़ आता है, आज भी नई मिट्टी का विस्तार होता है, उसको खादर। तो यही चार भाग है बनावट के आधार पर, और फिर विस्तार के आधार पर सात भाग मैदान को, वही जहां तक बाढ़ के पानी पहुंचता है। सुनो, मैं कह रहा हूं कि भैया उसके विस्तार के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? सात भागों में। पंजाब हरियाणा में जो मैदान का विस्तार है उसको बोलेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। उसके बाद राजस्थान में है तो राजस्थान का मैदान। उसके बाद गंगा के मैदान को तीन भाग में बांटेंगे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपर गंगेटिक प्लेन, उसके बाद मिडिल गंगेटिक प्लेन पूर्वी उत्तर प्रदेश ईस्ट यूपी एंड लोअर गंगेटिक प्लेन बिहार और बंगाल। याद रहेगा ना, असम का मैदान असम में, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और फिर तटीय मैदान कोस्टल प्लेन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में तटरेखा कोस्टल लाइन। हाँ वो तो ऊपर में ना, और भी नदियां मैदान बनाती हैं। आगे सुनो, तटरेखा तो हम YouTube पे भी कई बार पढ़ा चुके हैं, आप मेरा पुराना वीडियोज को देखकर कर सकते हैं। तटरेखा जो है समुद्र का किनारा, तटरेखा का मतलब नदी के किनारे की बात मैं नहीं कर रहा, मैं समुद्र के किनारे की बात कर रहा हूं, मैं समुद्र के किनारे की बात कर रहा हूं। भारत में समुद्र का किनारा, भारत के नौ राज्य छूते हैं समुद्र को। भारत के कितने राज्य छूते हैं? नौ राज्य। इन नौ राज्य में समुद्र के किनारे का अलग अलग नाम है। इन नौ राज्य में समुद्र के किनारे का अलग अलग नाम है। जैसे बंगाल में समुद्र के किनारे का बंग तट, बंग तट। उड़ीसा में उत्कल तट, उड़ीसा और बंगाल को मिलाकर उत्तरी सरकार। उड़ीसा में उत्कल तट, बंगाल में बंग तट, और दोनों को मिलाकर देखें तो उत्तरी सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। उसके बाद आंध्र प्रदेश को बोलते हैं गोलकुंडा तट, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं गोलकुंडा तट, तमिलनाडु को बोलते हैं पायन तट। और गोलकुंडा और पायन यानी आंध्र प्रदेश, बात नहीं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। हो गया, दोनों को मिला के अकेले आंध्र प्रदेश गोलकुंडा, अकेले तमिलनाडु पायन, दोनों को मिला के कोरोमंडल। केरल के तट को मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, और गुजरात के तट को गुजरात तट। लेकिन गुजरात में ऊपरे वाला कान के कक्ष तट और नीचे वाला कान के काठियावाड़ तट है ना। तटरेखा की टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर उसमें आइलैंड जोड़ दें तो 7516.5 किलोमीटर। भारत में तटों के किनारे ही बंदरगाह स्थित हैं। भारत में कुल 200 पोर्ट हैं, 200 पोर्ट हैं। बंदरगाह कितने? 200, उसमें 14 बड़े बंदरगाह हैं। 14 बड़े बंदरगाह में एक बंदरगाह बंगाल में जिसका नाम हल्दिया, दूसरा बंदरगाह उड़ीसा में जिसका नाम पारादीप। इसे बड़े बंदरगाह के नाम बोल रहे हैं। ऐसे उड़ीसा में गोपालपुर भी है, छोड़ दीजिए उस बात को, गोपालपुर बड़े बंदरगाह में नहीं आता। पहला हल्दिया गुजरात में, बंगाल में, पारादीप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में तीन बड़ा बंदरगाह, तमिलनाडु में तीन, एनौर पोर्ट जिसको कामराज पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एनौर पोर्ट को के कामराज पोर्ट भी बोलते हैं, चेन्नई पोर्ट, मद्रास पोर्ट, उसके बाद तूतीकोरिन पोर्ट, ये तीनों बड़े पोर्ट में शामिल हैं। उसके बाद केरल में कोची, एक पोर्ट केरल में, उसके बाद एक कर्नाटक में मंगलुरु, और गोवा में एक मर्म गोवा, और महाराष्ट्र में तीन, महाराष्ट्र में तीन मुंबई नोहा सेवा, और एक मुंबई नोहा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, और उसके बाद एक अभी हाल ही में घोषित हुआ बधावन, बधवान या बधावन अभी लेटेस्ट बना है, यही बड़ा पोर्ट शामिल, नया वाला शामिल हुआ है। तीन महाराष्ट्र में, तीन तमिलनाडु में, तीन तीन छः, तो दो ही राज्य में हो गया 14 में से, और बाकी बंगाल में 7, उड़ीसा में 1, 8, आंध्र प्रदेश में 1, 9, ठीक है, केरल में 1, केरल में 1, 10, और फिर कर्नाटक में 11, गोवा में 1, 12, और एक गुजरात के कांडला कक्ष में, गुजरात के कक्ष में कांडला जिसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट उसका नाम हो गया है। तो ना हो गया जी, टोटल 13 हो गया, एक पोर्ट ब्लेयर, एक पोर्ट ब्लेयर, 14 बंदरगाह बस हैं। कांडला के नहीं, कलकत्तों के बदल दिया, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के नाम बदल के कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, हो गया। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। आगे द्वीप समूह है, जान ही रहे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में विशेष रूप से बताना है, कौन द्वीप, मेन मेन द्वीप, सारे द्वीप के बारे में नहीं, 236
मैंने पूरा उतना द्वीप नहीं, मेन मेन द्वीप के बारे में उसकी विशेषता, कौन सा चैनल किसको अलग करता है, किसमें अंडमान निकोबार के किस अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, किसमें सैंडल पीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, काम खत्म। अब आ जाइए, कौन आएगा जी? नदियाँ, नदी को बांटेंगे दो भागों में, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। कुछ लोग कहते हैं मध्य भारत की नदियाँ, बिल्कुल नहीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। इसमें बताएंगे पहले अंतर, उत्तर भारत की नदियों की क्या विशेषता है, दक्षिण भारत की नदियों से उत्तर भारत नदियाँ कैसे अलग है, पहले अंतर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, अभी बीच में आएंगे तो फिर पढ़ाएंगे आपको माही साबरमती, माही साबरमती सिंध बेतवा केन, उसके बाद लूनी बनास एक सिस्टम में, और फिर दूसरा सिस्टम है नर्मदा सोन जोहिला महानदी ताप्ती स्वर्णरेखा दामोदर, ये सब एक सिस्टम में उकाई। और फिर साउथ में आएंगे तो आपको गोदावरी कृष्णा कावेरी और पेन्नार, और अंतिम में बेंगई। सबसे साउथ की नदी कौन सी है? बेंगई। बस और पेरियार एक थोड़ा सा चर्चा कर देना, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है ना, ईवी रामास्वामी नायकर उनको पेरियार कहते थे। ईवी रामास्वामी नायकर जिन्होंने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, जो पहले गांधी के फॉलोअर थे, कांग्रेस के मेंबर भी थे, पर तुरंत मोहभंग हो गया गांधी से भी कांग्रेस से भी, और खुद को अलग कर लिए इन सबों से, खुद चला आत्मसम्मान आंदोलन। ईवी रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार कहते हैं, बाद में आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी दोनों मिल के है ना, उसका नाम दे दिया था द्रविड़ कुड़गम, एक पार्टी बनाई थी, हाँ वही द्रविड़ कुड़गम पार्टी। डीएम कैसे नहीं बना था? आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी कंबाइंड होकर बना था डीएम के, जो डीएम के बना ना वो जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान मिल के 1944 में दोनों का मर्ज हो गया था। खैर सब बाद में करेंगे, हो गया ना। हाँ उनका नाम हुआ पेरियार कहा गया, उनको पेरियार का एक संज्ञा दिया जाता है, जैसे राजगोपालाचारी को राजा जी कहते हैं, नहीं समझी थे ना गांधी जी, आओ तो बोल दिए, आओ समझी का आदमी बोलबे करता, कहा राजा जी क्या हाल है, मजाक करने का रिश्ता रहता है, तो बोल दिया। अब पढ़िए आप, राजा जी किसने कहा, गांधी ने कह दिए, जैसे बोल नहीं बोलने में मित्र बोल देता, और गुरुदेव तुम तो गुरुदेव आदमी हो, बोल दिए रविंद्रनाथ के, पढ़िए किसने कहा गुरुदेव, सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल दिया। अब पढ़िए का मतलब है, ये सब क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, कौन किसको क्या कहा, हम लोग भी बड़ा आदमी हो तो खूब बोल दीजिए एक दूसरे को, याद करो अपना आगे तुम लोग। चलो रेगिस्तान, पूरे धरती पर 33% पर रेगिस्तान है, पूछा जाए कितने परसेंट पर रेगिस्तान है, 33%, लगभग एक तिहाई, पूरे धरती के लगभग एक तिहाई पर मरुस्थल का विस्तार है, एक तिहाई भाग पर क्या विस्तार है भैया, मरुस्थल डेजर्ट का विस्तार एक तिहाई 33% पर है। डेजर्ट की परिभाषा होती है कि ऐसा कोई स्थान जो बर्फ का हो या मिट्टी का हो या पत्थर का हो या पहाड़ का हो या किसी चीज़ का स्थान हो, और जहाँ वर्षा एनुअल 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है, जहाँ एनुअली वर्षा वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, कोई स्थान हो, अगर पटना के इनकम टैक्स नंबर भी हो उसको डेजर्ट घोषित कर देंगे, जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो उसे रेगिस्तान, उसे डेजर्ट, उसे मरुस्थल मरुभूमि कहते हैं। दुनिया में कितने परसेंट पर डेजर्ट है, 33%। इंडिया में भी एक डेजर्ट है थार, इंडिया में दो डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट या वार्म डेजर्ट। वार्म डेजर्ट में आ जाता है थार और कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है लेह। आप जानते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। याद रखो डेजर्ट के डेफिनेशन में कहीं टेम्परेचर शामिल नहीं होता, डेजर्ट के डेफिनेशन में केवल शामिल होता है रेन, जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए टेम्परेचर कुछ भी हो उसको डेजर्ट कहेंगे। कुछ ज्ञान बढ़ा, मजा आया, चलिए तो इसका भी काम करें, देखते हैं क्या है। लगा ना जी, कहाँ से खुलता है पीडीएफ फाइल? अच्छा जानते थे, भुला गए थे। मैप इसी लेके आ गए थे, इंडिया कल से हम शुरू करेंगे, बाकी लिखाता रहेगा अपना। ये कुछ ही आ गया।
ना है, हम अमेरिका निकाल के ले आए थे, झारखंड निकल के आ गए। आज 31 तारीख ना है जी। अच्छा ई वही क्या आ गया ये? हाँ अब दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें नामों बड़ा बड़ा लिखा है। सब झील का मैप लेकर के आया हूँ। इसको नींद में तैयार किया, पता है आपको? कल रात में 1 बजे तक तो लाइव थे, यहीं पर हम थे, और घर गए हैं 2 बजे, 2:30 बजे सोए हैं, और फिर 6 बजे से क्लास लगातार ले रहे हैं। तब आप लोग लिए मेहनत करता हूँ। देखिए बिफोर्ट सी है, बिफोर्ट सागर, बैफिन का खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी है। तीन को याद कीजिए पहले, इसको ज़्यादा बड़ा हो गया छोटा कर लेते हैं, नाम दिखाई देगा। देखिए बिफोर्ट सी, ये बेरिंग सी है, यहाँ अलास्का के इस साइड में क्या है, अलास्का के इस साइड में है बेरिंग सी। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जान जाइए बेरिंग सी अमेरिका के, यानी कि ये अलास्का पार्ट है। अमेरिका का कौन सा जगह है ये? अलास्का एक राज्य है जिसको खरीदा था रूस से, अलास्का को रूस से पैसा देकर खरीद लिया था जमीन, बाद में रूस को अफसोस हुआ काहे बेच दिए थे, न होता कि अपना जमीन फालतू समझ के बेच दिए। और कुछ दिन बाद वहाँ से मेट्रो और हाईवे निकल गया, तब अफसोस करते काश नहीं बेचे होते तो आज करोड़ों में खेलते, नहीं बोलता आदमी। वही बात उसको लगा कोल्ड वार में, कोल्ड वार में लगा और उसको झटका, अगर आज अलास्का होता तो यहीं पर तोप लगवा देते, हमको क्यूबा में तोप लगाने की जरूरत नहीं था। ये हो गया अलास्का, कर लीजिएगा अलास्का। आइए ब्यूफोर्ट, BAAUFORT, ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ है बैफिन की खाड़ी, यहाँ पर ये तो ग्रीनलैंड है, ये क्या है जी? ग्रीनलैंड, ये बैफिन, BAFFIN, बैफिन बे या बे ऑफ बैफिन, बैफिन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी है। देखिए ध्यान रखिएगा, क्रम से देखा जाए तो सबसे पश्चिम में कौन है? बेरिंग सी। उसके पूरब में कौन है? बैफोर्ट सी। उसके पूरब में कौन है? बैफिन की खाड़ी। तीनों बी से है, दिखाई दे रहा है ना, बिफोर्ट बैफिन अ बेरिंग, ट्रिपल बी लाइन्स है ना जी, बेरिंग बिफोर्ट और बैफिन, बेरिंग बिफोर्ट और बैफिन। यहाँ पर है हडसन की खाड़ी, यहाँ पर क्या है जी? हडसन की खाड़ी, एक एक्स्ट्रा है, बाकी लाइन से चलिएगा तो सबसे पहले बेरिंग, फिर ब्यूफोर्ट, फिर बैफिन, और बैफिन से थोड़ा इस साइड नीचे आइएगा तो हडसन की खाड़ी, याद हो गया ना, ब्यूफोर्ट बैफिन और पहले बेरिंग, फिर ब्यूफोर्ट, फिर बैफिन और फिर नीचे हडसन, याद हो गया। देखो दिमाग में मैप को बैठाना पड़ता है, मैप को दिमाग में बिठाना पड़ता है। झील की बात करेंगे कि लाइन मिटा देते हैं, देखो सबसे ऊपर में जो कनाडा में झील है नंबर एक, इसका नाम है ग्रेट बियर झील, क्या नाम है जी? ग्रेट बियर झील। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे झील है, ये 2 नंबर का जो झील है, इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर, पहला वाला बियर है, उसके बाद स्लेव है, स्लेव है 2 नंबर पर। और 3 नंबर पे जो झील है उसका नाम है अथाबस्का झील, अथाबस्का झील 3 नंबर पे क्या है? अथाबस्का। और लास्ट में है विनिपेग। अच्छा एक चीज़ और, एक और झील है यहाँ, रुको, यहाँ पर एक झील है रेनडियर, कौन सा झील है? ये सब कनाडा के महत्वपूर्ण झील है, रेनडियर झील। और लास्ट में पैग बनेगा, बियर का पैग लास्ट में बनेगा, सबसे ऊपर में बियर है ना, उसका पैग कहाँ बनेगा? लास्ट में, तो विनिपेग। 11 नंबर हो गया चौथा, अब 5वां हो गया विनिपेग, उत्तर से दक्षिण है ये, नॉर्थ से साउथ, सबसे उत्तर में बियर, उसके बाद स्लेव, फिर अथाबस्का, फिर रेनडियर, फिर विनिपेग। कनाडा के झील आपको याद करना है, कनाडा के समुद्र याद कर लिए पहले, कनाडा के समुद्र में बेरिंग, ब्यूफोर्ट और उधर बैफिन, और नीचे थोड़ा सा हडसन, ये खाड़ी हो गया, सब समुद्र हो गया।
अब झील, सबसे ऊपर स्लेव, सबसे ऊपर बियर, फिर स्लेव, फिर अथाबस्का, फिर रेंडियर, और सबसे साउथ में विनिपेग। नॉर्थ साउथ ऐसे याद हो गया, बियर का पेग कहाँ लगेगा? सबसे नीचे। सबसे ऊपर बियर खरीदाएगा और पेग सबसे नीचे आके लगेगा। अरे पैग बनाते हैं ना शराब का, बियर का पैक बनता है, पता नहीं क्या बोलते, पैग बोलते, पैग बोलते हैं, पेग, पैक बोलते हैं, पेग बोलते हैं, मुझे नहीं पता भाई। देखिए कितना बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहे हैं सब, ठीक है भाई। बोलो जिस जो, चलो तुमसे बोलवाते हैं, बोलो। तीन गो समुद्र, चार गो समुद्र बताए। सबसे पहले ट्रिपल बी, तो पहला बी से बेरिंग, दूसरा बी से बिफोर्ड, तीसरा बी से हाँ उसके नीचे हडसन। झील में सबसे ऊपरे बियर, अब पेक कहाँ बनेगा? सबसे नीचे। अब बीच में कह रहे स्लेव अथावस का रेंडियर, याद हो गया? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, समझ में आया? अरे ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। कनाडा के झील और समुंदर कल हम पूछेंगे बिना आते ही, याद रहेगा ना? ऐसे करके पूरा दुनिया का मैप करवा दे चल जाएगा, आए रोज इतना करवाएंगे तो बूंद बूंद से क्या भरता है? समंदर, तालाब नहीं समंदर, कहे तालाब के चक्कर में। कैसा लगा आज का क्लास? देखो दूसरा मास्टर जो 2 घंटा में पढ़ाएगा 3 घंटा में, वो हम आधे घंटे में पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, ये बात आप मान लीजिए। तो आप टाइम मत गिनिए, बोले कि जाओ तो जाओ, जाओ तो जाओ। इन्हें कि सर चाय बन रहा है, वो ट्यूशन मास्टर की तरह कि थोड़ा 5 मिनट आओ पढ़ाएंगे सर, और सब वो जो बच्चा हो तो उसकी माँ बदमाश होती है, सर कल नहीं आए थे, फिर एक दिन सर कल नहीं आए थे, पैसा कट जाएगा, मन करता है माथा फोड़ दो उस महिला को। सही बोल रहे हैं आप।